मेरे फ्रेंड लोगों से डाइवर्ट हो गया हूँ, उसका रीज़न है कोरोना वायरस। ये है बादशाह हमारे। सुबह के बजे 4:15 और हम निकले हैं उदयपुर के तरफ। उदयपुर क्यों जा रहे हैं ये तो हम रास्ते में बताएंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया जय श्री राम। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो राइड है वो BMW GS राइडर्स ऑफ इंडिया का राइड है, और जितने भी GS है ऑल ओवर इंडिया वो ग्रुप से कनेक्टेड होते, तो कम से कम 30 बाइक्स तो रहेंगी आज। Trip 1 0, Trip 2 0, तो हमने हमारी ट्रिप्स दोनों ज़ीरो कर ली है और टारगेट है 838 किलोमीटर्स, और गूगल बता रहा है 16.5 घंटा, 838 किलोमीटर 16 आवर्स, और मेरा प्रडिक्शन है कि मैं 14 आवर्स में पहुंच जाऊंगा। नाउ लेट्स सी हाउ द टेबल टर्न्स। अरे अभी हम आ गए थाना और यहाँ पे हो गई है ट्रैफिक जैम घोड़बंदर पे, जो हमेशा होती है। पेन इन एस मैन, ये सब प्रॉब्लम्स पता नहीं कब सॉल्व होगी। सो आई रीच घोड़बंदर एंड क्रॉस दैट ब्रिज एंड वेटिंग फॉर अमित राव। इतनी दिवाली तो भैया BMW में हो सकती है। भाई सेम पिंच यार, सेम हेलमेट। तो यहाँ पे चाय बनी हुई रखी है जिसका हमें भरोसा नहीं है, तो अभी हम आगे जाके रुकेंगे जहाँ पे फ्रेश हमारे सामने चाय बनाई जाएगी। नहीं वही है, नया किया ना वो, रैप लगाया। हाँ रैप लगाया है, निकल दिया था। बकवास लगता है अभी मेरे को, बोर हो गया अभी मैं। आ रहे आवाज आ रहा है मेरा ब्रो, तो अभी हम लोग है हमारे सेना के मेस पे, तो कॉन्फ्रेंस सेंटर को चले। जय सिया राम। आज दिवाली से राव साहब के पास ही है। आराम से भाई आराम से। हाँ ये बना के देगा, इसको पूछो बना के देगा क्या, पूछो ना। कैपी को बोला है क्या? तो फाइनली थोड़ा उजाला हो गया अभी, अभी बजे 6:30 और हमने चलाई है बाइक 145 किलोमीटर्स, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे हम। क्या भाई आ? कैपी आगे गया, आए
So what's up, sir? How are you doing? Fine. What riding कर रहे थे भाई? नहीं मैं कहाँ? कहाँ कहाँ riding? South जाके आया खाली. अरे मैंने ना थाना में एंड्यूरो मोड पे डाला था बाइक, पूरा हैवी एंड्यूरो पे ले गया है. एंड्यूरो मोड पे ले गया है बाइक. मैं बोलू गाड़ी अभी जुगलबंदी होगी, आराम से चलाना. भैया बारिश हो गई यहाँ पे यार, बारिश का भी अजीब सा मौसम है, कभी भी हो रहा है. और मैं जिधर राइड करता हूँ उधर बारिश होनी ही होनी है, साउथ में भी हो रही थी इधर भी हो रही है. और मैं जिधर जाता हूँ मुझे बारिश मिलती ही है यार. इतना वॉश करके राइडिंग गियर वगैरह लिया था तो वाट लग गया. गाइस बादशाह हर जगह पे मिलते हमें. अभी ये भाई साहब हाईवे पे मस्त अपना कैमरा मोबाइल लगा के घूम रहे. और ये ऐसे चूतिए लोगों की वजह से ना एक्सीडेंट होते हैं. तो 291 किलोमीटर हम लोग ने अभी तक राइड किया है और अभी हम है सूरत की तरफ और टाइम हुआ है 8:44 यानी कि 8:45. अंदर नहीं खड़ा कर रहे? हमने अभी ब्रेकफास्ट किया और हमारे अरमानों में पानी घुमाने के लिए आ गई बरसात. इसके लिए गोप्रो को डाल दिया अंदर और ये वाइजर पूरा गंदा हो गया. ओ यार बारिश को कुछ काम धंधा है नहीं. हाँ चौधरी साहब. अरे यार पता बारिश ने पूरा वाट लगा दिया यार. अरे रेन मोड पे आराम से. नहीं वो तो है रेन मोड का ठीक है, लेकिन इतना मेहनत से जो गियर्स वगैरह धोए थे. अरे कुछ नहीं ऐसे होता है, चिल कर. अरे भाई चिल विल ना होवे. जल्दी आ जल्दी आ. हाँ नहीं चलो ना तुम लोग, मेरे लिए नहीं रुकने का. ये जो बारिश है ना अभी थोड़ी देर के लिए हुई है तो अभी ये जो फेस बन गया देखो, मतलब इसमें मड और वाटर दोनों है तो इसमें स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते. तो हम लोग हमारे एकदम नियमित स्पीड से अब बाइक चलाएंगे. यार बारिश है ना पूरा मज़ा ख़राब कर देता है. लुक एट द वेदर यार. यार बारिश का सीज़न आ गया है क्या है? आगे और बारिश है बहुत. एक तो पहले ही इतना कोरोना वायरस फैला है, ऊपर से और बारिश ताकि लोग और बीमार पड़े, ताकि लोग और बीमार पड़े. हे भगवान. Rain is falling, chum, chum, chum. Off season rain. So finally reach Bharuch. और अभी time हुआ है 10:15, यानी कि 10:15. ओह भाई साहब इतनी गर्दी. Amazing traffic.
व्हाट एन अमेजिंग राइड। जब दो जन साथ में चलते होते ना तो बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता है और एक ही स्पीड में। अब वडोदरा कब आएगा पता ही नहीं चलेगा। सो आफ्टरनून के 1:30 बजे और 588 किलोमीटर चला है और अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया है, अभी सीधा मेहसाणा। मेहसाणा में सबवे में लंच करेंगे आज। अहमदाबाद से मेरे फ्रेंड लोगों से डाइवर्ट हो गया हूँ, उसका रीज़न है कोरोना वायरस। मेरे मम्मी पापा को मालूम पड़ा मैं उदयपुर जा रहा हूँ तो उन्होंने मेरा ट्रिप कैंसिल करवा दिया, क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पे कुछ 15 इटालियन टूरिस्ट को ट्रेस किया है पॉजिटिव और वो 272 लोगों से इंट्रैक्टेड हुए थे। तो मेरे मम्मी डैडी बोल रहे थे, तो मेरे मम्मी डैडी को थोड़ा डर है कि बाबा कहीं कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। मैंने थोड़ा ज़िद भी किया लेकिन नहीं मान रहे, और वो लोग नेटिव प्लेस में ही है तो बोला चल आ जा नेटिव प्लेस में आ जा तेरे को राइड ही करना। तो मैंने राइडर्स लोगों को छोड़ के अभी अकेला निकला हूँ अहमदाबाद से राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट सादड़ी मेरे विलेज का नाम है। मैं वहाँ पे जाऊँगा 2 दिन रुक के वापस राइड करके आ जाऊँगा। साला कोरोना वायरस की माँ की आँख, पूरा मूड की वाट लगा दी। ओहो, ये लोग इतनी शॉर्ट जगह रख लेते। तो भैया आज का जो हमारा सफर है वो पूरा मोटो व्लॉगिंग में ही जाएगा, गांव का मजा लेंगे 2 दिन बस, क्योंकि डोमिनोज और सबवे जैसे जो ब्रांड्स होते हैं इनके वॉशरूम नीट एंड क्लीन होते हैं। हो गए भाई उत्तरी, मैंने आधा घंटा गला दिया यार, हाफ एन आवर, आई हैव टू कवर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। तो गाइस मेसन आ गए और ये मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैंने ग्लव्स खोले, एक बार थोड़े हैंड ड्राई हो जाएंगे तो वापस पहनूंगा। और ये मेसन आ गया, लेकिन मेसन सिटी के अंदर से हम नहीं जाएंगे क्योंकि कितना भी करो तो सिटी में थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक होता ही है, तो हम लोग बाईपास मारेंगे ताकि हम लोग फास्टली उसे क्रॉस कर सके। और इस रूट पे मुझे नेविगेशन देखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं यूजुअली यहाँ पे आते जाते रहता हूँ, सो इट्स अ काइंड ऑफ माय रोड। तो ये हमारा हमने बाईपास मेहसाणा को है, सिंगल है लेकिन बहुत फास्ट है, 1-5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो उस सिटी में हैक्टिक होती है। और ये समर में मुझे कोई भी ट्रैफिक में रुकना नहीं है। अब मोस्टली मुझे ट्रैफिक थोड़ा बहुत जो लगेगा वो पालनपुर में लगेगा, लेकिन देखते हैं अभी 2:45 बजे
ये है बादशाह हमारे। ओ भाई साहब बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया यार, ड्राइवर की तो हालत खराब हो गई। ठोका किसको है? ओ हो, अरे बाप रे, ये भी पूरा खतरनाक। डाइवर्शन के कंफ्यूजन की वजह से हुआ एक्सीडेंट। खींचो खींचो, रोड अच्छा है ना खींचने का। यही है प्रॉब्लम हमारे इंडियन ड्राइवर्स को, मैं इतना हॉर्न दे रहा हूँ लेकिन साइड नहीं देंगे। अभी ये ट्रक है, इसको मैं हॉर्न दूंगा, ये कब साइड लेगा? उतने में तो मैं मेरा बाइक का पिकअप भी टूट जाएगा, तो संभल के लेफ्ट से लेना चाहिए। अमीरगढ़ और इधर डंगरपुरा, ये गुजरात के लास्ट गांव है, ये गुजरात के लास्ट विलेज है, इसके बाद में सीधा राजस्थान चालू होता है। आबू रोड 15 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अभी राजस्थान के अंदर एंट्री मार के भाई चाय बनता है, अपने को चाय पीना अभी। 4 बज गए, कंटिन्यू गाड़ी चला ले रहा हूँ, 2 घंटे में बहुत कुछ खींचा है भाई। आबू रोड और शिरोई एरिया में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ बहुत है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, जैसे बिनानी है, जेके लक्ष्मी है, अब ये कौन सा है, अरावली स्ट्रॉन्ग सीमेंट है, छोटा सा कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीमेंट की फैक्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, देर आर माइंस। जैसे ही राजस्थान आ गया, बार एंड रूम्स, बहुत सारे गुजरात के लोग तो बस यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन के लिए आते हैं, क्योंकि गुजरात में बैन है। यहाँ पे बहुत मजा आता है, पुलिस वसूली करती है ट्रक वालों से। डर गया पैसा लेने, ये सब इधर नोटे लेके हैं, वसूली करते इधर। देखा आपने पुलिस के हाथ में 100-100 रुपए की नोट थी, हर एक ट्रक ड्राइवर से लेते राजस्थान की एंट्री। देखो देशी शराब की दुकान, और यही ट्रक ड्राइवर यहाँ पे दारू पी के फिर ट्रक लेके जाते, बहुत रिस्की बिजनेस है ये। एक्चुअली हाईवेज पे बैन कर देना चाहिए, नेशनल हाईवेज पे तो अल्कोहल मिलना ही नहीं चाहिए। तो गाइस वेलकम टू राजस्थान, राजस्थान में आपका स्वागत है, और राजस्थान में फ्यूल का रेट कम है। अभी लाइन से आपको सब पेट्रोल पंप्स नजर आएंगे, हालांकि गुजरात और राजस्थान में आई थिंक मेरे को 1 रुपीज का ही फर्क है खाली, लेकिन ट्रक वालों के लिए तो 1 रुपये भी बहुत हो जाता है। सो एज सून एज द विलेज कम्स, हियर कम्स द गोट्स एंड शिप्स।
So finally we reached. That is my house. This is my uncle's house and this is a new one. तो भैया टोटल किलोमीटर हुए 932 और परफेक्ट 7 बजे आए तो टोटल 932 किलोमीटर्स 15 आवर्स टिल देन आई विल साइन ऑफ वीडियो ज़्यादा तो कुछ दिखाने जैसा नहीं था बस प्योर मोटर व्लॉगिंग था ओहो मेरी थार इधर ही खड़ी है एक एडवेंचर है तो दूसरी वो माय एडवेंचर